नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ का शो में। तो आज बात करते हैं COVID-19 और उसकी जर्नी की, और इसके साथ साथ हमारी जर्नी क्या रही। तो शुरू करते हैं फिर। तो बात है 2019 की। दुनिया नॉर्मली चल रही थी, हर कोई अपने दुनिया में मस्त था। लोगों ने कई चीज़ें प्लान कर रखी थी, ये करेंगे वो करेंगे, पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। तो क्या होता है कि एक नई बीमारी जन्म लेती है दुनिया में। इस पर भी काफ़ी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं चाइना की वुहान की किसी लैब में बना, किसी वेट मार्केट से आई है ये बीमारी, किसी ने चमगादड़ खा लिया आधा पका हुआ या कच्चा ही, तो इससे बीमारी आई। पर थ्योरी जो भी हो, बीमारी तो आ गई। एंड ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है। 2003 में भी SARS वायरस थे, पर ये ऐसा नहीं था, मतलब वो ज़्यादा सीरियस डिजीज़ थी, पर वो इन्फेक्शियस नहीं थी, मतलब लोगों में संक्रमण दर नहीं थी कि किसी से किसी में फैल रही है ऐसे बीमार कर रही है, नहीं, लोग बीमार होते थे, ठीक थे। 2003 के बाद से ऐसे कोई केसेस आए नहीं थे, पर 2019 को कुछ और ही मंजूर था। तो दुनिया में एक नई बीमारी आई, तो इसको नाम दे दिया गया कोविड, और 2019 में आई है तो COVID-19। पर दुनिया में इसका जो असर था वो 2020 में देखा गया, और हमारे इंडिया में भी जनवरी फरवरी की बात थी 2020 की, लोगों में केसेस, मतलब जानकारी आने लगी थी, न्यूज़ पे हम देख रहे थे ये केसेस आ रहे हैं, कोविड महामारी घोषित हो सकती है। पर कोविड महामारी घोषित हुई 2020 के मार्च में, 11 मार्च को शायद। एंड देन इंडिया में भी कुछ केसेस आना शुरू हो गए थे, कुछ गिनती के, कहीं मुंबई में तो कभी दिल्ली में, बाहर से आने वाले, खासतौर से इटली, यूरोप, स्पेन, वहाँ की न्यूज़ काफ़ी बदतर होना हो गई थी। स्पेन में काफ़ी बुरी न्यूज आ रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है वहाँ। पर इंडिया में फ़िलहाल हालात काफ़ी अच्छे थे। फिर 22 तारीख को एक जनता कर्फ्यू का आयोजन हुआ इंडिया में, 14 घंटे के लिए सब लोग अपने घरों में थे। अब इसके बाद लोग सोचे चलो ठीक है भाई, चेन टूट गई, क्योंकि कोविड, हमारे पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ रहे थे कि COVID-19 का जो वायरस है वो 14 घंटे तक ही जिंदा रहता है, 14 घंटे के लिए सब रुक जाएंगे तो चेन टूट जाएगी। बट ऐसा नहीं था। 24 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उन्होंने बोल दिया कि 21 दिन का लॉकडाउन लगेगा, कोरोना कोई रोड पे ना निकले। एंड देन यहाँ पे तो सब समर्थन ही करते हैं, तो हम सब अपने घरों में रुक गए। पर बहुत लोग नहीं रुक सकते थे, क्योंकि वो अपने घर पे नहीं थे, किराए के घर पे रहने वाले डेली वेज वर्कर्स। अगर लॉकडाउन, जो कंप्लीट लॉकडाउन लगा था, कुछ भी नहीं खुल रहा था, सिर्फ सब्जी की दुकान खुल रही है, खाने पान पीने की दुकान और मेडिकल शॉप्स, यही खुल रहे थे। एंड इसके अलावा जो काम करके अपना गुजारा चलाते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली थी, तो वो लोग रुक नहीं सकते थे। तो जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अपने गांव से दूर शहरों में जाके काम करते हैं, उन्हें लौटना पड़ा अपने गांव की ओर। अब ट्रेन बंद थी, बसेस बंद थी, सारे ट्रैवल के मीडियम बंद थे, तो बस 11 नंबर की बस पकड़ के सब निकल गए, यानी पैदल, साइकिल से। लोगों ने कितनी दिक्कतें उठाई, इवन मैं भी बाहर ही था, मैं भी एक प्रवासी ही हूँ, मजदूर तो नहीं हूँ, पर एक तरह से मजदूर ही हूँ, प्राइवेट मजदूर। तो मैं भी कहीं फंसा हुआ था गुड़गांव में, गांव मेरा यूपी में। हम लोग भी परेशान हो रहे थे कि क्या होगा, क्योंकि कोविड के केसेस निकल रहे थे, और जब न्यूज़ आती कि बगल की गली में कोई केस निकला है, तो हमारी हालत और ख़राब हो जाती थी, क्योंकि न्यूज़ में ऐसा दिख रहा था कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो हम लोगों ने काफ़ी सावधानी बरती, मास्क लगाया, लोगों से दूरी बहुत रखते थे हम, सफाई का बहुत ध्यान रख रहे थे। तो इस तरह से हमारा मार्च तो बीत गया। अब 21 दिन का लॉकडाउन भी बीत गया, पर केसेस कम नहीं हुए, केसेस 500 से 500 पर पहुंच गए, 1000 में पहुंच गए। जिसके बाद लॉकडाउन बढ़ाया गया, जून तक बढ़ाया गया। पर हाँ, जैसे कि लोगों को जाने में दिक्कत हो रही थी, तो लोगों की मदद लिए सरकार ने भी थोड़ा बहुत काम किया। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चली, ऐसे ट्रेन्स चली, बसेस चली, लोगों को उनके घर पहुँचाने के लिए। अगर लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनके गाँव में बाहर कंटेनमेंट जोन बनाए गए, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, ताकि लोगों को दूर रखा जा सके और उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सब इंडिया में वैसा मार्केट नहीं था इनका, तो इनका उत्पादन बढ़ा देश में, और हर मार्केट में आपके पड़ोस के लोकल दुकान पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि इनका प्रोडक्शन होना शुरू हो गया इंडिया में। तो ये सब थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, बट केसेस कम नहीं हुए। वैक्सीन की बातें शुरू हो गई थी कि हाँ, वैक्सीन से ही इस बीमारी का इलाज हो सकता है। तो वैक्सीन पे काम करना साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे और लोग अपना काम कर रहे थे। तो पीक पहुंच चुकी थी,
अब हाँ, COVID-19 पुरानी चीज हो गई थी, उसके वेरिएंट्स आना शुरू हो गए थे और WHO ने भी वार्न किया था कि COVID-19 सिर्फ नहीं है, इसके वेरिएंट्स भी आ सकते हैं। तो कोई भी कहीं भी रहता है तो इस वातावरण में ढल जाता है, अपने आप को ढाल लेता है। कोविड ने भी यही किया, वो म्यूटेट होकर वेरिएंट्स बनाना शुरू कर दिए उसने। तो इस तरह से वेरिएंट्स की स्टार्ट हुई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, मतलब ग्रीक अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स होते हैं उसके वेरिएंट्स आ गए। अभी सारे तो नहीं आए हैं बट आ जाएंगे एक दो साल में, क्योंकि हम लोग ओमिक्रॉन तक तो पहुँच ही चुके हैं। ओमिक्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब ग्रीक अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। तो पीक पहुंच गए, पीक से नीचे भी आ गए, केसेस कम होना शुरू हुए, काफ़ी लोगों ने अपनों को खोया, काफ़ी लोग बीमारी से रिकवर भी हुए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। एंड देन 2020 ख़त्म हो गया। इस तरह 2021 के स्टार्ट में हमारे पास वैक्सीन थी, एक नहीं दो दो, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, काफ़ी डिस्कशंस हुए इस पे, कोई वैक्सीन के समर्थन में था तो ज़्यादातर लोग समर्थन में ही थे, पर कुछ लोग विरोध में भी थे कि नहीं ये सही नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो भाई इमरजेंसी यूज़ की छूट दे दी सरकार ने और COVID-19 वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंडिया में चला एंड काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। मैं भी वैक्सीनेटेड हो चुका हूँ अभी, सब ने वैक्सीन लगवाई। सबसे पहले बुजुर्गों के लिए स्टार्ट हुआ, उसके बाद 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी के लिए शुरू हो गया और अभी तक 150 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं। 150 करोड़ डोजेज, यानी किसी को एक लगी हैं, किसी को दो लगी हैं, तो 150 करोड़ लग चुकी हैं। इंडिया की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो लगभग 100 करोड़ तो एडल्ट होंगे इसमें या उससे कम, तो 200 करोड़ डोजेज अगर लग जाती है तो आई होप सारे लोगों को लग गई हो। हाँ, इसी साल मोदी जी ने यह भी अनाउंस कर दिया कि 15 से 18 वालों को भी अब वैक्सीन लग सकती है, क्योंकि कोविड बीमारी ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को छोड़ देगी, बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उनके लिए भी वैक्सीन होनी चाहिए। तो विदेशों में भी इस पे काम चल रहा है, 12 वर्ष से ऊपर वालों को भी लग सकती है, फाइजर वैक्सीन है जैसे। अब 2021 स्टार्ट हो चुका था, लोग भूल चुके थे कि हाँ COVID-19 की बीमारी थी कोई, क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे, वैक्सीन लग रही थी, तो लोग घूमने फिरने में लग गए और अपने नियमों की तौहीन करना शुरू कर दी, लाइक मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं करना और सैनिटाइजेशन का ध्यान नहीं रखना। तो हुआ क्या, वही होगा, डेल्टा वेरिएंट आ चुका था इंडिया में और इसने अपनी तबाही मचा दी। मतलब पहली वेव से भी खतरनाक वेव आई, बहुत लोग बीमार हुए और हाँ हमें पता चला कि हमने सब कुछ तो बनाया पर प्राणवायु को तो भूल ही गए, सबसे बेसिक नीड हमारी हवा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से इतनी डेथ्स हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, आप हर मतलब व्हाट्सएप खोलने पे भी उस पे स्टोरीज, फेसबुक खोलो, किसी भी सोशल मीडिया पे आप जाते थे उस समय ना, तो कोई ना कोई सिलेंडर की रिक्वेस्ट कर रहा होता था। हमने प्लाज्मा थेरेपी अपनाई तो प्लाज्मा की मांग कर रहे होते थे, मतलब बहुत बुरा समय था वो 2021 की सेकेंड वेव, जो कि अप्रैल मई 2021 में आई थी। पर फिलहाल हम इससे भी उभर गए क्योंकि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका था और सब कुछ ठीक होने लगा। मतलब हमें एक तरह से लगा कि हाँ ऑफिसेज भी खुलना शुरू हो गए, एचआर का ईमेल भी आने लगा कि कम बैक टू ऑफिस। बट कोविड कोई मंजूर थोड़ी था, कोविड ने एक नया वेरिएंट निकाला, ओमिक्रॉन वेरिएंट, और कहा जा रहा है कि ये पिछले सारे वेरिएंट से खतरनाक हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट जिसने इंडिया और पूरी दुनिया में इतनी तबाही मचाई, उससे 5-6 गुना ज़्यादा खतरनाक है ये। और फिलहाल इंडिया में भी इसके केसेस आने लगे, वो काफ़ी बढ़ भी गए हैं। आज हमें लगा कि शायद चलो अब ये आखिरी हो, इससे भी हम निपट लेंगे। कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाना स्टार्ट किया, मतलब नाइट लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस, बच्चों के स्कूल जो खुल चुके थे बंद हो गए, ऑफिसेस वर्क फ्रॉम होम फिर से स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू ही चल रहा है बहुत जगह, तो ये चीज़ें फिर से हो गई। बट अभी IHU नाम का एक नया वेरिएंट आ गया है जो कि फ्रांस में मिला, फ्रांस के IHU इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया। वहाँ पे कुछ लोग साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीकन कंट्री से आए थे और उनके अंदर ये वेरिएंट मिला। तो WHO ने कह दिया है कि ओमिक्रॉन इज़ नॉट द लास्ट वेरिएंट, आगे और भी वेरिएंट आ सकते हैं, और भी बीमारी फैल सकती है, हो सकता है और बुरे हालात आ जाएं, क्योंकि ये दोनों वेरिएंट बहुत ही खतरनाक हैं। कहा जा रहा है डेल्टा वेरिएंट वही है जिससे सेकेंड वेव इंडिया में आई थी 2021 में, लास्ट ईयर समर में, और अगर ये उससे खतरनाक है तो और भी ज़्यादा हो सकता है। और हाँ, इसने अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।